तो हेलो गाइस यार, कैसे हैं आप सभी लोग। वेलकम बैक टू द न्यू गेम प्ले वीडियो। तो आज मैं दोबारा से खेले जा रहा हूँ माइनक्राफ्ट। मालूम है तेरे बाप को, मत सिखा चल। मुझे पता है आप लोगों को पता है, लेकिन आपको ये नहीं पता होगा मेरे घर में सिर्फ 3 लोग रहते हैं, मैं, मेरा घर और मेरा प्यारा गोलम। इसलिए मैं अपने घर में काफी सारे विलेजर्स लेके आने वाला हूँ, जिनसे मैं ट्रेडिंग करके काफी सारे यूनिक आइटम्स ले सकूँ और मुझे ज्यादा मेहनत भी नहीं करनी पड़ेगी। लेकिन उससे पहले मुझे विलेजर्स के लिए एक ऐसा एरिया बनाने पड़ेगा जिसके अंदर वो रह सके और अपना काम भी कर सके। और मैंने इस एरिया को काफी ज्यादा अपग्रेड कर लिया, जहाँ पर मैंने काफी सारी कारपेट बिछा दी जो अब काफी ज्यादा तगड़ा लग रहा है। और यहाँ पर जितना भी सामान था मैंने दूसरे वाले कमरे के अंदर ले जाके रख दिया। और यहाँ पर काफी सारी चेस्ट बिछा दी है जिसके अंदर मेरा सारा एक एक आइटम रखा हुआ है, मुझे ज्यादा दिक्कत ना हो। और अब मैं जा रहा हूँ नीचे और ये दोनों मेरे गोलम पता नहीं ये क्या घूम रहे हैं इधर उधर। और मैंने जब से इन्हें बनाया है ना, यहाँ पर एक ज़ॉम्बी दिखता भी नहीं है। और मैंने सारा का सारा सामान इकट्ठा कर लिया है पहले से ही। तो पहले मैं नेदर क्वार्ट्ज से व्हाइट ब्लॉक्स बना लिया, जिससे मैं बेस बनाने वाला हूँ उस एरिया का। वो मैं यहाँ पर लगाऊंगा, उस एरिया को काफी ज्यादा बड़ा एरिया है, मैं यहीं पर वो बनाने वाला हूँ। तो मैं प्रॉपर ब्लॉक्स लगाऊंगा सब जगह पर। तो पहले मैं यहाँ पर काफी सारे ब्लॉक्स लगाना स्टार्ट कर देता हूँ। और यहाँ पर मैं 20 ब्लॉक्स लगाऊंगा ताकि लंबाई चौड़ाई बिल्कुल ठीक हो और ज्यादा छोटा भी ना बने अपना एरिया। तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 जल्दी जल्दी काम करते हैं। तो मैंने बाउंड्री तो पूरी कर दी और रात होने वाली है, मुझे जल्दी से इसके अंदर का एरिया फिल करना होगा। जल्दी से इसे भी जल्दी से कंप्लीट करना है क्योंकि बहुत ज़्यादा बड़ा काम है। तो फाइनली गाइस मैंने बेस रेडी कर दिया और पूरा का पूरा बेस रेडी हो गया, सब कुछ वाइट वाइट हो गया। पहले मैं खाना खा लेता हूँ, बहुत ज़्यादा भूख लग रही है, कुछ खाने के लिए भी नहीं है ढंग का। तो अब मुझे करना क्या है, पहले मैं स्टेयर्स लगा देता हूँ यहाँ पर काफ़ी सारी, जो कि चढ़ने में हमारी मदद करेंगे और थोड़ी लुक भी अच्छी आएगी। मैं वाइट वाली स्टेयर्स करना हूँ और इस सामान को इकट्ठा करने में सही में मेरी हालत ख़राब हो गई है, मैं जल्दी से इसे लगा देता हूँ। तो गाइस फाइनली बेस रेडी हो चुका है, मुझे करना क्या है, इसके पिलर्स बनाने हैं चारों तरफ, जो कि मैं ब्लैक वुड का यूज़ कर रहा हूँ पिलर्स बनाने के लिए। तो मैं जल्दी से चारों तरफ के पिलर्स बना देता हूँ, मुझे पूरे बराबर के पिलर्स बनाने पड़ेंगे चारों तरफ के। तो मैं यहाँ पर ब्लॉक लगाना स्टार्ट कर देता हूँ। 1 तो मैं जल्दी से चारों तरफ के पिलर्स भी लगा देता हूँ और फिर जल्दी से दिखाता हूँ आप लोगों को। तो गाइस फाइनली चारों तरफ के पिलर्स भी रेडी हो चुके हैं और मैंने एक तरफ की वॉल भी कंप्लीट कर दी है। अब मैं खाना खा रहा था, मैं अंदर से काफ़ी सारी ब्रेड लेके आया था क्योंकि मुझे बार बार भूख लग रही थी। अब मैं ये वाली वॉल भी जल्दी से कंप्लीट कर देता हूँ और मुझे चारों तरफ की वॉल भी जल्दी से कंप्लीट करनी होगी। गाइस फाइनली चारों तरफ की वॉल कंप्लीट हो चुकी है और कुछ ऐसा लग रहा है, पूरा स्टूडियो टाइप का लग रहा है, काफ़ी ज़्यादा बड़ा लग रहा है यार ये, हमारे घर से भी काफ़ी ज़्यादा तगड़ा लग रहा है। इसके सामने कितने बेकार, और दोनों के दोनों देखो इसे ही देखे यार, घूर घूर के अबे काम आ रहा है, अभी देख रहा था ना तो नज़र लगा रहा है मेरे इसको प्रोजेक्ट को। अब मुझे जल्दी से इसकी लैंटर भी डालना पड़ेगा और मुझे जल्दी से जल्दी काम करना पड़ेगा। तो फाइनली गाइस मैंने इसका लैंटर भी डाल दिया और कुछ ऐसा लग रहा है अंदर काफ़ी ज़्यादा अंधेरा भी हो रहा है। अबे तू कैसे यार, निकल जाए यहाँ से चल। तो एक ढांचा तो रेडी हो चुका है, मुझे बस इसकी डेकोरेशन करनी है ज़्यादा से ज़्यादा अच्छी तरीके से। लेकिन मुझे जो जो आइडिया है पहले मैं वो डेकोरेशन करता हूँ और फिर आपको दिखाता हूँ कि कैसा लग रहा है। तो गाइस पूरी रात निकल गई और दिन हो चुका है और मैंने कुछ इस प्रकार की डेकोरेशन करी है जो अच्छी लग रही है। मैंने अंदर एक काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर थोड़ी सी वो लगा दी है लालटेन वगैरह वगैरह, और यहाँ पर एक झूमर टाइप लटका दिया है। और ये देखो गोलम उसे ही काफ़ी टाइम से देखे जा रहा है और सही लग रहा है, काफ़ी तगड़ा झूमर लग रहा है। मैंने इसमें ग्लो स्टोन भी लगा दिया ताकि अंदर रोशनी रहे, और काफ़ी सारी लालटेन भी लगा दी है और एक झूमर वाली लुक आ रही है प्रॉपर। पर तू निकल पहले, रास्ते में आ रही फालतू में। अब मैं करने वाला क्या हूँ कि मैं काफ़ी सारे वाइट वुड लेके आ चुका हूँ जिससे मुझे गेट पर लगाने से पहले मैं इसे हटा देता हूँ। पहले मैंने इसे लगाया था लेकिन ये बहुत बेकार लग रही थी तो मैं इसे हटा देता हूँ और मुझे इसे लगाना है और फिर दिखाता हूँ कि ये कैसी लगेगी आपको। पहले मैं इसे जल्दी से लगा देता हूँ। तो अब मैं जल्दी से इन्हें वुड को यहाँ पर लगा देता हूँ और फिर दिखाता हूँ आपको। तो मैं जल्दी से इन्हें ऐसे कर देता हूँ, इसको पता नहीं क्या कहते हैं, तो मैं जल्दी से इसे लगा देता हूँ और फिर दोनों तरफ दिखाता हूँ आपको दोनों तरफ लगाने के बाद ये कैसी लग रही है। तो मैं जल्दी से इसे भी वापस से लगा देता हूँ और फिर जल्दी से आपको दिखाता हूँ। तो गाइस रात होने वाली है और कुछ ऐसी लुक आ रही है रात के टाइम पर, इसे देखने में काफ़ी ज़्यादा एकदम मतलब कुछ प्रीमियम सी लुक नहीं लग रही, काफ़ी ज़्यादा मस्त लग रहा है यार। इसके अंदर घूमने वूमने भी एकदम मस्त, हमारा घर इसके अंदर टट्टी लग रहा है यार, बिल्कुल देखने में बेकार लग रहा है। तो मेरे दिमाग में अभी सिर्फ 2 ही आइडिया थे जो कि मैंने कर दिया, बाद में देखूंगा कि और आइडिया आएंगे तो मैं और तगड़ी डेकोरेशन करूँगा जो और भी ज़्यादा अच्छी लगेगी, और मैं अपने घर को भी और अपग्रेड करूँगा क्योंकि इसके सामने यार लुक बहुत बेकार लग रही है अपने घर की, और घर को भी अपग्रेड करना है।
तो आगे मैं काफी सारे विलेजर्स को लेके आने वाला हूँ और काफी सारे एरिया बनाने वाला हूँ जिसमें वो अपना काम वाम भी करेंगे और हमें काफी सारा सामान भी देंगे और हम उनसे ट्रेडिंग भी करेंगे और काफी ज्यादा मजा आने वाला है। आगे भी काफी कुछ और भी बनने वाला है। तो बस गाइस आज के लिए बस इतना ही। वीडियो पसंद है वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लो यार। मिलते हैं अगले वीडियो में। गुड बाय।